सुशांत केस में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए साथ ले गई। आज सुबह सुबह शौविक चक्रवर्ती के घर पर छापा, पूरे घर की तलाशी। शौविक के घर पहुंचे एनसीबी डेप्यूटी डायरेक्टर केबीएस मल्होत्रा, दो टीमों की छापामारी। एनसीबी की टीम में महिला ऑफिसर भी शामिल थी। रिया और उसके भाई शौविक के बीच ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत के बाद कार्रवाई। शौविक के घर में है 8 सदस्यों की टीम। छापामारी के वक्त घर के सभी सदस्य मौजूद रहे, घर में लैपटॉप की भी तलाशी ली गई। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर, शौविक चक्रवर्ती के घर से कुछ डिजिटल डिवाइस साथ ले गई है टीम। रिया का पुराना मोबाइल भी जब्त। एनसीबी की टीम के 4 ऑफिसर बिल्डिंग के नीचे तलाश में जुटे। चक्रवर्ती परिवार की गाड़ी की भी हुई जांच। तलाशी को लेकर सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम, मुंबई पुलिस की तैनाती। श्यामिल मिराडा के घर भी छापामारी, एनसीबी की टीम ने ली तलाशी। सूत्रों के हवाले से खबर, रिया के भाई शौविक, श्यामिल मिरांडा, ड्रग्स पेडलर जैद और बसित को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। शौविक से चैट में ड्रग्स की डिमांड कर रही है रिया। भाई और बहन के बीच 5 ग्राम बड को लेकर हो रही है बातचीत। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे डॉक्टर हरीश। रिया ने अपने बयान में कहा था सुशांत ने कराया था उनसे इलाज। सुशांत की मौत मिस्ट्री में आज दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक टीम की आएगी रिपोर्ट। मिल सकते हैं कई अहम सवालों के जवाब। सीबीआई को एम्स की टीम सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। मुंबई से मिले सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की एम्स टीम ने की है दोबारा जांच। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एम्स की टीम मुंबई का भी करेगी दौरा। पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टर से भी होगी बात। सुशांत केस को लेकर आमने सामने है कंगना रनौत और संजय राउत। कंगना ने शिवसेना पर लगाया धमकी देने का आरोप, मुंबई को बताया पीओके जैसा। संजय राउत ने कंगना पर किया पलटवार, कहा ट्विटर पर बोलने से अच्छा है सरकार को बताएं। ड्रग्स और मूवी माफिया पर कंगना का प्रहार, कहा एक बड़े स्टार के मारे जाने के बाद मैंने ये मुद्दा उठाया, मुझे मुंबई पुलिस पर नहीं भरोसा। संजय राउत ने कंगना पर साधा था निशाना, कहा था अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो नहीं आना चाहिए वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत केस पर पीआईएल की सुनवाई अगले हफ्ते। सीबीआई को अदालत में बताना होगा कि मीडिया की वजह से जांच में रुकावट तो नहीं आई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, सेना का मेजर जख्मी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सेना ने पूरे इलाकों को घेरा। पाकिस्तान को सीडीएस रावत ने किया सावधान, बोले चीन से भारत की तनातनी पर किसी खुराफात की न करे कोशिश। एलएसी पर तनाव के बीच आज लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, हालात का लिया जायजा। सेना प्रमुख ने कहा हमारे जवानों के हौसले बुलंद, तनाव को लेकर कूटनीतिक और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी। भारत चीन के सेना अधिकारियों में जारी रहेगी बातचीत, 4 राउंड की मीटिंग के बाद भी तनाव बरकरार। चीन की बड़ी बेचैनी, मॉस्को में राजनाथ सिंह से चीनी रक्षा मंत्री ने मुलाकात का किया अनुरोध, आज शाम हो सकती मुलाकात। मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह, 1 घंटे की बैठक में संयुक्त सैन्य अभ्यास सहित कई मुद्दों पर बात। हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के दीक्षांत समारोह में पीएम ने किया संबोधन, संकट काल में पुलिस के योगदान की सराहना। में शुरू के कालखंड में जितने ओवर कॉन्शियस रहे जरूर रहे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए देश भर में करीब 83,300 से ज्यादा मामले। 39 लाख के पार पहुंचा कोरोना का खुला आंकड़ा, 4,66,000 से ज्यादा सैंपल्स का टेस्ट। 24 घंटे में कोरोना से 1,096 से ज्यादा की मौत, अब तक 68,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में इस वक्त 8,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती महंत नित्य गोपाल दास की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, 2-3 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफनती नदी की लहरों में फंसे बाइक सवार बाल बाल बची जान। वाराणसी में उफान पर है गंगा नदी, घाटों के ऊपर गलियों तक पहुंचा पानी। केदार घाटी में मूसलाधार बारिश ने किया लोगों को बेघर, शरणार्थियों की जिंदगी जीने को मजबूर लोग। आसनसोल में दामोदर नदी में डूबा 10 साल का बच्चा, खेल खेल में हुआ हादसा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का कहर जारी, हरदा में तेज धार में बह गए 12 मकान, कईयों को नुकसान। बुलंदशहर में एक बाइक सवार ने दूसरे बाइक सवार को किया
पर किया हमला। मामूली सी बात पर झड़प के दौरान मारपीट और गाली गलौज। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में चचेरे भाई बहन की लाश बरामद, दोनों कई दिनों से लापता थे, हत्या की आशंका। बीएचयू के छात्र के पुलिस कस्टडी में लापता होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, पुलिस को 22 सितंबर तक खोजकर लाने का निर्देश। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिली 55 साल के शख्स की लाश, नौकरी जाने की वजह से सुसाइड का शक। बागपत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ महिलाओं का हंगामा, पानी की निकासी के लिए बोरिंग का किया विरोध। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के स्टेज को पुलिस ने तोड़ा, नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कोलकाता के बाजारों में पुलिस की छापामारी, जरूरी सामानों की कीमत बढ़ाने को लेकर कार्रवाई। पलवल में दो गुटों के बीच जमकर पत्थर और डंडे चले, वीडियो वायरल। तरन तारण में एक जिम में सरेआम गुंडागर्दी, कुछ युवकों ने जिम मालिक पर किया हमला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।